हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और लौकी का बहुत ही हेल्दी जूस। इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो पालक लिया है, जिसे अच्छे से धो लिया है। इसके डंठल को अलग नहीं किया है क्योंकि डंठल में भी जूस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और एक हमने करीब आधा किलो की कच्ची लौकी ली है और इस लौकी को हमने 3 से 4 बार अच्छे से रगड़ करके साफ कर लिया। इसके छिलकों को नहीं हटाएंगे क्योंकि छिलके में भी जूस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और साथ ही हमने थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हमने सेंधा नमक काम में लिया है। यह जूस आप व्रत और उपवास में भी पी सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को कट कर लेंगे, सीधा सीधा इसको काट लेंगे बिना छिले ही। लौकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, यह बूढ़े और कमजोर व्यक्तियों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह हम पालक को भी कट कर लेंगे। ये देखिए डंठल भी हमने साथ में कट कर लिए हैं क्योंकि डंठल में भी पालक जूस की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह जूस बहुत ही हेल्दी बनकर के तैयार होने वाला है। पालक में आयरन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसी तरह लौकी भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। ये दोनों का जूस बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम जूसर की सहायता से बनाएंगे। पालक को हम जूसर में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ ही इसके साथ ही हम लौकी भी काम में लेंगे। ये देखिए देखिए जूस बनकर के तैयार हो गया। इसमें हम अब नमक डाल देंगे, निकाला नमक डाला अभी। आप इसे व्रत और उपवास में पी सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद हम इसको एक बड़े बर्तन में छान लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जूस बनकर के तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने किचन में इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। पालक और लौकी का मेल यह बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए इस तरह से अब इस जूस को हम गिलास में डाल करके सर्व कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और यह जूस बहुत ही लाभदायक है। सुबह सुबह यदि आप इसको पीते हैं तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, आपके शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। लौकी और पालक का जूस बनाने की ये विधि यदि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।